हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने जैसे कल के मेरे वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करी थी पावरफुल इंट्राडे स्ट्रैटेजी करके। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है अभी तक तो पहले स्ट्रैटेजी के लिए वो वीडियो देखो। उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कैसे करनी है। देर आर एन नंबर ऑफ स्टॉक्स, हर स्टॉक्स में कुछ ना कुछ मूवमेंट चलती रहती है। हर स्टॉक रोज ऑब्जर्व करना ऑफ कोर्स इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो मेरा पैटर्न ये है कि मैं हमेशा से, मेरी 15 से 20 स्टॉक की एक लिस्ट होती है, उसमें से 10 स्टॉक तो कंटिन्यूस मेरे रडार पे रहते हैं। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी क्लोजली ऑब्जर्व करती हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड करती हूँ। और बैंक निफ्टी का ट्रेंड समझने के लिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, ये चार बैंक जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी में, ये चार स्टॉक तो मेरे रोज रडार पे रहते हैं। जिस भी दिन बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग रहता है, इधर वे अपसाइड और डाउनसाइड, इन चारों में से कोई दो स्टॉक्स भी ट्रेंडिंग रहते हैं, तो उसमें से ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद जो निफ्टी का सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला स्टॉक है वो रिलायंस। वो ये पास स्टॉक कंपल्सरी रोज के रोज मैं ट्रैक करती हूँ। उसके बाद जो मैं स्टॉक्स ऐड करती हूँ, रोज की जो बदलती है मेरी लिस्ट, वो डिपेंड करता है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज के मार्केट में किसने दिया, कहीं ब्रेकआउट हुआ है तो कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जब आप इंट्राडे के लिए एक दिन पहले होमवर्क करते हो, इस होमवर्क में जो स्टॉक निकल के आते हैं, अगर किसी स्टॉक में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है या पुट राइटिंग हुई है सबसे ज्यादा, तो वो वाले स्टॉक्स निकाल के रडार पे रख दो कि उसमें, उस डायरेक्शन में अगर कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है, मतलब अपने को उसको शॉर्ट करने का कहीं ना कहीं एक मौका मिल सकता है इंट्राडे में। अगर पुट राइटिंग ज्यादा हुई है, मतलब कहीं ना कहीं लॉन्ग जाने का इंट्राडे में अपने को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ऐसे स्टॉक की डेली लिस्ट बना, ज्यादा नहीं, 15 स्टॉक भी बहुत हो गए। उसके बाद उसमें जो अपॉर्चुनिटीज आती है, जैसे मैंने कल फॉर्मेशन समझाया था इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का, वो अपॉर्चुनिटीज स्पॉट कैसे करें, क्योंकि ऑफ कोर्स इवन 15 स्टॉक भी कंटिन्यूसली वॉच करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसके लिए चार्टिंग करके एक वेबसाइट है, मेरे ख्याल से आप लोगों को, बहुत लोगों को जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए भी मैं उसकी एक लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उस पर क्लिक करना। वो वहां पे अपन जो भी अपनी कंडीशंस रहती है उसको आप डाल दो, उस हिसाब से वो फिल्टर करके स्टॉक्स आपके सामने ले आता है। तो अपन ये स्क्रीन पे देखते हैं कि वो चार्टिंग सेटअप कैसे करना है। सो गाइस, ये चार्टिंग का वेबसाइट है charting.com करके। यहाँ पे आप अगर स्कैन्स में जाएंगे, यह है यहाँ पे क्रिएट स्कैन। क्रिएट स्कैन में आप सबसे पहले तो यहाँ पे एक वॉच लिस्ट है, ठीक, इस वॉच लिस्ट को क्लिक करो। ये माय टॉप लिस्ट करके मेरी एक वॉच लिस्ट है जिसमें फिलहाल 16 स्टॉक है। अगर मैं उसमें ये रोज यहाँ से एडिट और ऐड और व्यू स्टॉक्स करती हूँ, अभी मैं आपको बताती हूँ आज के वॉच लिस्ट में मेरे इसमें क्या था। एशियन पेंट्स, क्योंकि परसों उसमें ब्रेकआउट हुआ था, एक्सिस बैंक, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में कल बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था, फिर बैंक निफ्टी, हैवल्स, HDFC बैंक, इस तरह से 16 स्टॉक्स है जो आज मेरे रडार पे थे, सिर्फ 16 स्टॉक, ठीक। अब जैसे यहाँ पे क्रिएट स्कैन करो, जिस तरह से मैंने फॉर्मेशन आपको बताया है कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम और जो सेकंड कैंडल है, इसलिए लेटेस्ट क्लोज इज ग्रेटर देन हाई प्रीवियस कैंडल्स, यहाँ पे लेटेस्ट की जगह 15 मिनट और यहाँ पे प्रीवियस कैंडल है इसलिए -1। ये थोड़ा सा आपको समझने में पहले दिक्कत होगी, पर आप जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ बस वैसे कंडीशन डालते जाओ और वो फिल्टर आपका लग जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि 15 मिनट कैंडल क्लोज इज ग्रेटर देन द प्रीवियस, -1 मतलब प्रीवियस 15 मिनट कैंडल्स हाई, ठीक है। फिर दोनों कैंडल अपने को बुलिश चाहिए,
सो दूसरी कंडीशन अपन ये डालेंगे कि क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन. सो ये जो लेटेस्ट है उसकी जगह 15 मिनट्स, यहाँ पे भी 15 मिनट्स, क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन. ये हो गई करंट कैंडल. फिर नेक्स्ट फिर से अपन यही कंडीशन डालेंगे क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, पर हमको दोनों कैंडल बुलिश चाहिए, मतलब जो सेकेंड कैंडल है वो भी और फर्स्ट भी, मतलब इसके पहले वाले भी कैंडल. सो 15 मिनट्स और जीरो में प्रीवियस कैंडल, माइनस वन मतलब प्रीवियस कैंडल. यहाँ पे अगेन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम और माइनस वन मतलब प्रीवियस कैंडल. ठीक, नेक्स्ट आरएसआई. सो आरएसआई अगेन लेटेस्ट नहीं, यहाँ पे 15 मिनट्स आरएसआई. आरएसआई की जो वैल्यू है जो बाय डिफॉल्ट 14 रहती है, वी वांटेड 3, शुड बी ग्रेटर देन नंबर 80. ठीक, और यहाँ पे स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट. सो इंस्टेड ऑफ कैश यहाँ पे मैं अपनी लिस्ट, माई टॉप लिस्ट जो वहाँ पे मैंने बना के रखी थी वॉच लिस्ट में जाके, बस. तो ये सिर्फ इतनी 16 स्टॉक्स को जो मेरी टॉप लिस्ट में है उनको स्कैन करके, जब जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होगी तब तक एक अलर्ट देगा. सबसे पहले अपन उसको सेव करते हैं. सो पहले सेव स्कैन, जैसे इंट्राडे लॉन्ग या बाय, सबमिट. ये हो गया इंट्राडे बाय, इसको फिर क्लिक करो. और यहाँ पे जो है क्रिएट अलर्ट, ये सबसे बढ़िया बात है इस वेबसाइट की. तो वो अलर्ट देता है, अलर्ट्स एवरी 5 मिनट्स, दैट इज ओके. नोटिफिकेशन टू बी सेंड ओवर ईमेल इंस्टेड ऑफ डेस्कटॉप और मोबाइल एंड सेंड यूनिक नोटिफिकेशन. तो वो बार बार वही वही नहीं देता है. एंड सेव अलर्ट, तो हर 5 मिनट में वो स्कैन करेगा. वैसे भी हमको 15 मिनट्स का अपना टाइम फ्रेम है, हर 5 मिनट में वो स्कैन करेगा, देखेगा कि कौन से स्टॉक्स आप जो हमने कंडीशंस दिए उसमें फुलफिल होते हैं, और वो जो जो फुलफिल होते हैं उसकी लिस्ट उसको एक अलर्ट देगा आपके स्क्रीन पे. और फिर आप उसको वॉच करते हो और 15 मिनट्स के बाद ही ट्रेड लेते हो, तो आपके चांसेस विनिंग ट्रेड के बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं. अब जैसे मैंने बाय का बताया, मैं एक बार फिर शॉर्ट का भी बता देती हूँ. सेम अपने को चाहिए नाउ क्लोज शुड बी लेस देन लो, पर लेटेस्ट नहीं, 15 मिनट्स क्लोज लेस देन 15 मिनट्स मतलब प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज होना चाहिए. फिर दोनों कैंडल्स अपने को बेरिश चाहिए. सो क्लोज इज लेस देन ओपन, अगेन यहाँ पे 15 मिनट्स करेंगे और दोनों चाहिए. ये होगी दूसरी कैंडल. अब जो उसकी प्रीवियस कैंडल है सेम, क्लोज शुड बी लेस देन ओपन, यहाँ पे 15 मिनट्स और माइनस वन. फिर यहाँ पे 15 मिनट्स और माइनस वन. नेक्स्ट आरएसआई चाहिए. आरएसआई 3 अगेन 15 मिनट्स का, शुड बी लेस देन नंबर 20. ये 4 कंडीशंस हैं. अपन ये अलर्ट सेव करते हैं. सो इंट्राडे सेल सबमिट,
वैसे ही उस पर क्लिक करने के बाद क्रिएट अलर्ट, सेम एवरी 5 मिनट्स वो चेक करेगा, फिल्टर करेगा, नोटिफिकेशन टू बी सेंट ओवर डेस्कटॉप एंड मोबाइल एंड सेव अलर्ट। गाइज दैट्स इट। आपने एक यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी जो है, आपको 16 स्टॉक की लिस्ट में से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज मैं ट्रेडिंग व्यू में बताती हूँ कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज आई थी। सी गाइस, ये आज का चार्ट है बैंक निफ्टी का। सो गाइस, ये आज का चार्ट है बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट। आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, देखो मैं ये बताती हूँ सेशन कहाँ गया। ये है, ये सबसे पहली कैंडल थी बैंक निफ्टी की, ये और ये बहुत अच्छा फॉर्मेशन बना था। ये एक, अब हैमर तो नहीं कह सकते इसको, पर ये जो वीक दिखा रही थी ये काफ़ी कुछ ये बोल रही थी कि नीचे जो गया था तो अच्छी खासे वॉल्यूम में ये ऊपर आके बंद हुआ है, और नेक्स्ट जो कैंडल है वो भी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया था, और उसका RSI था 95। इसके ऊपर बैंक निफ्टी बाय को लगाया था मैंने, यहाँ पे सेल ऑर्डर थी, सॉरी SL का ऑर्डर थी। और अफकोर्स आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया, SL तक नहीं गया, ऑलमोस्ट जाते जाते उसने फिर यूटर्न लिया और यहाँ तक बैंक निफ्टी ने छोड़ा। 1:2 का नहीं टारगेट मिला। आज का दिन जो था थोड़ा सा, जैसे 2 दिन की रैली हुई थी बैंक निफ्टी में, तो आज वैसे ही ठंडा जाना था दिन। मुझे तो इतना भी मूवमेंट मिलेगा ऐसा लग नहीं रहा था, बट जो भी हुआ प्रॉफिट में बैंक निफ्टी की पोजीशन क्लोज हुई। यही नेक्स्ट जो स्टॉक है सेम आया था L&T फाइनेंस के लिए। L&T फाइनेंस ने भी बहुत बढ़िया मूव थी यहाँ पे। ये दिन की पहली कैंडल थी, पर ये जो कैंडल थी ये प्रीवियस दिन के ऊपर क्लोज हुई थी, तो ये टोटल जो है ये कॉम्बिनेशन बन रहा था अपना ट्रेडिंग सेटअप का। इसकी RSI वैल्यू बहुत अच्छी थी 92, यहाँ पे आप देख सकते हैं 92। और यहाँ से उसने, जैसे मैं बोलती हूँ कि ये 1:2 के टारगेट्स देते ही है, ये यहाँ पे SL था, और ये है 1:2 का टारगेट ऑलमोस्ट। और देखो ये कितना बढ़िया L&T का ट्रेड हुआ है। सो गाइस, आपने ये समझा कि लाइव मार्केट में इंट्राडे अपॉर्चुनिटी कैसे स्पॉट की जाती है। ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी समझाई है लिटरली बहुत पावरफुल है। हमेशा 1:2 का आपको टारगेट दे ही जाती है। SL बहुत ही छोटा रहता है और उस हिसाब से प्रॉफिट के मार्जिन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, बशर्ते आप उसको सही अप्लाई करो। एक व्यू रखो हर स्क्रिप्ट के लिए कि आपको क्या लगता है, आप थोड़ा सा उसमें ट्रेंड लाइन डालो, सपोर्ट डालो, और उसके हिसाब से आप समझो कि कहाँ जा सकता है आज ये स्टॉक, आज के दिन में कहाँ वॉल्यूम से के साथ ट्रेडिंग हुई है, कौन सा स्टॉक वॉल्यूम के साथ ऊपर गया या कौन सा स्टॉक वॉल्यूम के साथ नीचे आया है, तो उसको अपने रडार पे ले आओ। फिर वहां पे इंट्राडे अपॉर्चुनिटी आप देख लो सेम कि कहाँ आप एंटर कर सकते हो, कहाँ कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है, कहाँ पुट राइटिंग ज्यादा हुई है, ये सारी चीजों की एक लिस्ट बनाओ और उसकी एक वॉच लिस्ट उस चार्टिंग पे डालो और उस हिसाब से फिल्टर्स लगाओ, एग्जैक्ट उस टाइम पे आपको एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। ओके गाइस, अगर आपको इस स्ट्रेटेजी को लेके या इस सेटअप को लेके जो मैंने सेटअप चार्टिंग में उसके फिल्टर्स लगाया है कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लेना, मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगी। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, गुड बाय।